भजो गुजर भजो चाहे भजो पाली जात भजो गुजर भजो चाहे भजो तो यानी प्यार सर नाम सुजाने विजेंद्र जी महाराज जो स्वयं एक कथावाचक भी है और कर्मकांड का भी बहुत अच्छा ज्ञाता है और बस ठाकुर की सत्संग और ये प्रेम रे वास्ते फलोदी तक पधारिया है। जोरदार एक बार स्वागत अभिनंदन, बहुत ही प्रसन्नतारी बात है। हार्दिक आभार व्यासपीठ से आरो में बहुत सम्मान करूं क्योंकि यार बहुत प्रेम मिली है। मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं हो जोधपुर आए लेकिन फिर भी एक प्रेम ही ऐसी चीज है जो भूली नहीं जा सकती क्योंकि सारो खेल प्रेम पर ही आधारित है। और एटे ठाकुर जी को मायरो हो रियो है, अरे यारी तो संत महात्माओं की तो जगह है पदार जनो और चार चांद लाग जाओ। तो बहुत बहुत आभार हार्दिक सम्मान। और इत वर्णन आवे कि जाट भजो गुजर भजो चाहे भजे अहीर और तुलसी रघुवर नाम पर है सबका ही सीर। एड़ा कोई नहीं जेट भगवान ना आया होए, जोरदार गाड़ी चली और इतनी वेग सु भगवान गाड़ी लेकर गया, इतनी वेग सु भगवान गाड़ी लेकर गया। नरसी जी मीठा मीठा भजन सुना रिया है और आज भगवान स्वयं भजन सुन रिया है। सूरज के रे उगे पहुंचा नगर अंजार, हाट बाट सब उमड़िया खुलिया सकले बाजार। जोसी दौड़ियो को कलो गयो सगारी गे ब्याही आया गोरवे मने बधाई दे। ए कोकलिया जी ने बेड़ा इस तो ले राया हाल भूखो ही जायो है बेड़ो हो जे घर पहुंचो रोटी मिल जाए। और पहली सोचियो कि जुई श्री रंग जी ने ध्यान पड़े ला कि टोप यार लंगोट यार तुमड़ी यार गुमड़िया ले राया है तो बधाई तो कई मन लोटे भरियो पौनी को नहीं भावेला। अरे मिलन मु पहली मन जार मिलनो है और भागियो कोकलो और जार कयो बधाई हो सेता बधाई हो। और श्री रंग जी कट बैठा आपरी सभा में बैठा है सेठे बटेरा तो कयो कई बधाई के थोरो सगो जी आ गया। मारो लिया सगली बात बताओ कि पहली बधाई तो दे दो। अब अंदर में तो जाने कि भगी की गड़बड़ तो है कि बधाई बधाई कही दो पहली बोलो समाचार दो। श्री रंग जी पूछते भय कहो सगारी बात कहो सगारी बात अरे मैं कहीं लायो माय रहो कुन कुन आया सास हती गुणगुण आया सास हसी जोशी बोलो कोकलो माहिरारी बात जोशी बोलो कोकलो माहिरारी बात अरे मारा तू पड़ा सूर्य स्वामी साथ हसी अरे मारा तू पड़ा सूर्य स्वामी साथ हसी उसमें वाणी को कहीं सभा में जाए मरवाड़ी को कले कहीं सभा में जाए सारण चक्र ते बे सुनकर श्री रंग राय हती
सुख सारा चक्र से भये सुन कर तीर मिलाए हर की। अरे भगत चल प्रभु सारे सब भगत चल प्रभु सारे सब लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। जोशी जी जुई कहो कि माड़ा टोपिया घड़ी लाया थारे रिश्तेदारों रे थोरे वास्ते चक्कर आवन लगियो श्रीरंग जी ने तो मारी नाक कट जाई अंजार में। क्यों मैं कहो नहीं कि लोभी तो लोभरी भाषा जाने भक्तारी भाषा ना समझ सके। और जब अटकी नहीं मिलियो और श्रीरंग जी चक्कर खावता देखियो तो दौड़ तो सेताड़ी कन गयो वारे तक समाचार पहुंचे जट की तो बधाई ले लू पांच मोहरा तो मिली कौन। दौड़तो गयो सगी ने सेताड़ी ने केवन लागो जोशी जी में लारे माने बधाई तो दो जोशी जी बोला है माने बधाई तो दो जाई जी आई अच्छे महता समाचार ले हो रे हरी। अरे प्यारी जी आया छे थाटा समाचार लो तो करी। अरे बनी करी नरसी जी मेहता आया मारे देश बनी करी नरसी जी मेहता आया मारे देश तेरा तो लाया छे अपनी बाई सर्वेश हरी। अरे कितना तो लाया छे वारी भाई सर्वेश हरी। अरे बिसलड़ा की माता गुप्तो तू जोई मती चगलारी बाता के तो बुझोई मती जिनसा तो लाया छे तारे लब सिज की रे हती। अरे जिनसा तो लाया छे ताके लाग सिज की रे हती। ओ सेताणी बदाई बदाई के बदाई पचे काचा ओके में नहीं के काचा बनता थोड़ी खेलिया यूं की कर लुटी जाऊं पहली बता मेहता जी आया जी को तो चो हाल तो मेहता जी केवे है उम्मीद है कि कीन की तो नाक रखन लायो जुवेला। मेहता जी आया स्वागत है पर लाया गई कि बधाई दो तो बच्चे बताऊं ठीक रही कि क्यों मन में हो चे बट रोटी कौन मिली रे बधाई कौन मिले पक्की बात है क्या नहीं पहली बता थे नहीं बताओ जब तक कुछ भी नहीं मिलेला तो कहो पोसाकारी जेठ थे तो बुझोई मती पोसाकारी जेठ थे तो बुझोई कई बड़ा बड़ा तुम्बा लाया दया के ताई रे हरी। अरे बड़ा बड़ा तुम्बा लाया दया के ताई रे हरी। छोटी मोटी तू मड़िया रो अंत न पारे छोटी मोटी तू मड़िया रो अंत न पारे तो मरता दो धाके सारे परिवार हरी। अरे दो बता दो धाके सारे परिवार हरी। अरे सवा मण गोपी चंदन खड़ियो भरियो सवा मण गोपी चंदन खड़ियो भरो बेटा तिलक करो रे हरी। एक तो लाया छे बाई कपड़ा हंदी पोट एक तो लाया छे ब्याही कपड़ा हंदी पोट आई पंद्रे टोपिया और सरवाले लंगोट हरी। अरे भाई बस के टोपिया और सरवाले लंगोट हरी। जायन जी के माड़ा लाया एक विशेष जी के ताई माड़ा लाया छे विशेष सवा सवा सिर को छे मणियो मणियो एकाए एक हरी। अरे सवा सवा सिर को छे मणियो एकाए एक हरी। के पहली बधाई दो तो बताओ के पहली बता तो बधाई मिले माथो पकड़ लियो और कहो अब घणो ही लाया है थार जी तो लागे तो हैंग लिया के लाया कई के ब्याह वास्ते लंगोटी टोपिया गिनाए तोरे तो लंगोटिया टोपिया और ज्यादा थारे बांटनी हुआ तो तुमड़िया घुमड़िया
इतने में जी नहीं भरी जे तो हवा चंदन, हवा किलो चंदन रो एक खड़ियो भरोड़ो है थारे पूरे गांव रे तिलक पर हो। इतने में बूढ़ला बयान जी आया, दादी आसू नानी रा मारे गई ला मारे मैन जी रे ताई लाया माड़ा छे विशेष थारे लिए तो जोरदार माया बूढ़ला हिटानी जोरदार माला केड़ी अरे सवा सवा सिर को छे मणियो मणियो एकाएक हरी आ बात कहती तो बूढ़ला बैन जी तो भ्रकुटी चढ़ गई। हाचो बोले मार खोटू बोल कई करने मंत्र बदई मिले कौन ध्यान तो गई हे जेडी मारी बामणी काम आई जाऊ मार रोटी जीमो जैसी तो लाई। अरे जीमे कटे सुन एडा हमाचार लहर जीमे तो कई करू अरे खोड़ी ला ब्याई ने आंसू काडोई परो खोड़ी ला ब्याई ने आंसू काडोई परो अरे काडी टपरी ने मेरा तेरा रे करो रे हरी तोड़ी टपरी में झका डेरा ही करो रे हरी अरे बुतोड़ी हटा में जवा मच्छर गणा थोड़ी हटा में जवा मच्छर से गणा ते तो फेराया तेरा नरसी जीतना हरे हरी अरे ते तो फेराया तेरा नरसी जीतना हरे हरी अरे बकत बचलो प्रभु सारे सब काम बकत बचलो प्रभु सारे सब काम रानी भाई ने मान रही सावधान ने लाज सीताराम जी ने लाज राम जी ने लाज जय जय नारायण हरि रे हरि पार करो मारी हवेली तक भी छाया ही नहीं आनी चीज तो मैं कई करूं के मारे गांव रे बार एक भूतिया हवेली है वह टूटोड़ी बागोड़ी हाँ छोटे मच्छरी मच्छर है हाँ कीचड़ी कीचड़ है के हाँ बते बापड़ा की कर रही हूरिया मोड़िया है थारे घनी पीड़ है थारे घर ले जाए ब्रो मार कर कट ले जो मन तो रोटी कौन जी मैं कौन ले जो तो बच्चा छोड़ रहा कोकलियो ले आयो और नरसी जी ने कहो भाई थोड़ रहने की व्यवस्था होगी है तो के मोरे हग्गा बीजा बदावना है या कौन आई आई है वही पहली आलो थोर जगह बताओ पहुंचिया गांव में बाहर जावन लगा आ तो बाहर कट ले जा थर स्पेशल फार्म हाउस खोला है और नरसी जी ने नूरियों ने ले जोशी कोकलो पहुंचियो नरसी जी समझ गया ए राम नाम री महिमा समझने वाला नहीं है वे तो हर परिस्थिति में खुश रहता जो मारे सावल री इच्छा वो भी तो भेड़ो आयो है अगर और रह जाए तो मैं ही रह जाऊं और जो प्रवेश करियो हूरिया तो लई आंदला बार पानी बिखरियो रो कोई रो पग पिसलियो कोई रो कपड़ा गंदा है अरे नरसी जी जाओ 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 अरे हमलो हमलो एक दूजा पकड़ो अट कीचड़ गणो कीचड़ गणो अंदर गया अब लई सूर्या अट्टी वट्टी देके सर्दी में किड़किड़ी जे सियो मरे अरे नरसी जी आ तो मन की जगह ठीक कौन लाग रही है तो बास भी आ रही है कि भाई जेड़ा आप मायरदार है बड़ी जगह है चिंता मत कर और अंदर आया अब अटी अटी देखे कि बैठन मिल जावे इतने में माकड़ ने चीचड़ चप 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 कहगी बट कोई आओ तो कोनी निट मान खो कोई आए तो वो ने जीमन मिलियो चीचड़ माकड़ ने जीमन मिलियो वे आए चप चप काटन लगा ओ नरसी जी खावे खावे के खाऊं दो परोपकार आये पुण्य आये परोपकार खाऊं दो ओ नरसी जी या तो भूंडी हुई या तो मन जगह ठीक कौन लगे और
धीरे धीरे सूर्य यहाँ यहाँ करता एक हाथ लगा के माचा जू लागियो के चलो ऊपर ही बिछार बैठो। नरसिंह जी तो लाई अटी वटी देखता के कीन की व्यवस्था हो तो थोड़ो सर्दी कम हो जाए, मारो ध्यान रहो कोनी और सूर्य दो चार मिल माचो सीधो करियो और जुई बैठा बढ़िया की कर, क्योंकि पाटो ही जो बीच में बिदान लागुड़ी कोनी निवार में पोनो पड़े वो तो होई को खाटू डराम पड़िया नीचे लगी हो फस गया हो बारी काटो तो बेटिश के ना देखो तो हो कौन और हुची कौन देखा के हाथ पकड़ पकड़ नरसी जी लाई बारे काटिया ओ नरसी जी ही हमारा नरसी जी अभी अभी देखिया कोई भागोड़ा पाटा बूटा कहीं पड़िया कर करार अग्नि री व्यवस्था करी के हाथ से को बैठो ओ नरसी जी तो ही सर्दी लागे भूख लागी है भूखा मरता सु भजन हो कौन अब लागी तो लागी भाया तो कई करा तो कहो करना गई ताड़िया बजाओ राधे गोविंद गाओ ताड़ी बजाओ ला तो सर्दी भाग जाई शरीर में गर्मी आ जाई कर लो भजन और भूखे पेट की कर भजन करूं के भजन तो करने ही पड़े ला और सूर्या भजन करन लागा कि कदाच की मिल जावे हे राम तुम्हारे भक्तों की जब बोली निकलेगी हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी हे राम तुम्हारे भक्तों की जब बोली निकलेगी हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी हरे रामा हरे कृष्णा मुख से बोली निकलेगी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम शुरू कर दे और वो ऊर्जा हमारे द्वारा फैलती जावे अंतरिक्ष में और जैसी फैली बटे आसपास में थोड़ा दूर दूर कोई मकान है बटे आवाज जावन लगी अरे कोई भक्तों की टोली आई दिखी जोरदार भजन हो गया है चलो देखा तो सही
ए तो सब मगन होएड़ा भजन करे और भी टूटी हवेली रे मार लाइन लागी लोगों सब बाहर खड़ा मानो करंट आइयो सब तालियां बजा रिया है राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद कर रिया है। जब ताली हो रही और बोलन रही आवाज नरसी ने कुछ ज्यादा सुनाई दी। नरसी आंख खोली तो देखे बाहर लोग ही लोग खड़ा। नरसी जी चुप होया सूर्यान लागे और नरसी जी गांव तक जीकर चुप होया। सूर्या भी चुप होया तो भी आवाज आ रही है। सूर्या को नरसी जी कौन है हो क्या आप जेड़े ही है भजन करनिया भवाना है कि हाँ जट तो गांव का कुछ लोग आगे आया और कहे भक्ता कटु आया के अब यूं की कर कहे कि बेबी श्री नंगरा सदाहार भक्त है भाई कोई ने नीचो थोड़ी दिखा सके तो कहो अब आया जट ही आया राम जी भेज दिया तो कोई सेवा हो तो बताओ। अब नरसी तो कहने बोले हुरिया के प्रसाद कराओ तो करा दो सेवा तो आई जे भूख लागोड़ी। नरसी जी के मन ध्यान ही है बोलिया बिना देवो को अब सब गया जो जो मणियोड़ो हो घर में सब कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ लेकर आया। अरे श्री रंग श्री नंगरा घर वाला काई जी मावे अट तो 56 भोगरी व्यवस्था होगी। भजन करने वाले को भोजन से वंचित कोई नहीं रख सकता भाई। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काज दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। मलुकदास जी यूं तो छोड़ गया कि सबरा दाता राम है तो मैंने परीक्षा करनी है कि राम ही जीमा वेला अब मैं की नहीं करूंगा और जीमा पेड़ मा चढ़ बैठ गया कि भाई मैं तो राम ही जीमा वेला अब भेड़ा लेर गया चूरमो चार मो भले खावे नहीं कि देखो भगवान खवावे कि नहीं खवावे रख दियो नीचे कुछ चोर चोरी कराया और वो जंगल में पेड़ रे नीचे भूखा प्यासा पानी की देड़ी वो ठिप्पण देखियो कि अरे वाकिन की व्यवस्था हो रही दिखे खूब धन लूट लाया वो धन तो रख दियो कने कि पहला जी मिला खोलियो जोरदार चूरू और पानी भी दूजो ने चोर को थोड़ा विवेक कि कई मन लागे कि मैं जहर वेला जंगल में कटवाए चूरमो देख हो सके आपने मार कोई आपने लूटन भी फिराक में हुए लुटेरा न हैंग लुटेरा ही नजरा आपने लूट लियो तो देख मार दिया तो अब अटी वटी यूं यूं देखे ऊपर नजर गई कि वो बैठो उतारियो नीचे और कहे तू रखिया है कि हाँ जहर है कि नहीं खाकर दिखा आप को नहीं खाऊं अरे खाना पड़े ना जबरदस्ती एक जना हाथ पकड़िया एक जना पग पकड़िया दूजो ने मुंडा में ठूसियो जेने वाले मुंडा में निकल गए अजगर करे ना चाकरी बच्ची करे ना भगवान के भरोसे भजन में लग गया उसको अपनी उदर पूर्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अट्टे तो 56 भोग लगा ररोग लियो पेट भरीज गया और वर्णन आवी की अट्टे नानी बाई री हासू नानी बाई ने मीणो मारियो आई गयो थारो बाप जी। नानी री आंख में झर झर आंसू टपकन लागा कितना बरस निकल चुकी है तो कहो बदावड़ा को नहीं करे
कर ब्रो। हाँ बताओ ना तो करू, मार बाप जी आया कटे है जटे है धर्मोडी पड़ी हुई कटी, क्योंकि कल तक था जो मान आज बेईमान हो गया है, कलयुग में पैसा भगवान हो गया है। लोभियारी नजर में वो भगवान रुपियो है भगत कौन, पैसा रे आगे सब ठीक हो, लेकिन नानी रे मन में के बदावो करन तो जाओ, लाण थाली तैयार करी, चौंदी रो लोटो भरियो, सब तैयारी करी, पर भेड़ो जावन कोई तैयार नहीं। आड़ोसन पाड़ोसन भी हसुरे भेड़ी ओड़ी मजाक उड़ावे, एकली छोरी रुदन करन लागी, हे विदाता मारे बाप जी ने अठे क्यों भेजिया, मजाक बनन रे लिए मारे बाप जी ने क्यों अठे भेजिया, मारे बाप जी री हंसी उड़ावन वास्ते, ओ मैं सहन नहीं कर पाऊला, हे ठाकुर जी मारे पिताजी री हंसी मत होवन देवे, मारे बाप जी रो थारे पर विश्वास है, तू खरो उतर जे। इते में नानी बाई की सासू जी कयो चाल चल, मैं आलू थारे आते दो चार जनिया ने और ले, देखू तो थई थारो बाप कई मायरो लायो है, कनक थाल कर में लियो अक्षत दीप समेत, दुग्ध कलश ने तो दुर्व कुमकुम जमीन झूले, लेर जुई रवाना हुई ढोल बजरियो है, नानी बाई सासू जान बूझ कर पांच सात जनियों ने भेड़ी करी। हलो हलो थन बताओ मोडियो केड़ो आयो, नानी और मेरे पिता रो अपमान करन रे वास्ते दई जनी वाने लेकर पांच सात जनिया ने लेर आई। नानी बाई जुई थोड़े बहुत ढोल धमाके री आवाज आई, नरसी जी समझ गया कि छोरी आई रही है, बदावो करण वास्ते छोरी आई रही है, और नानी बाई सासू ने आने थोड़ा सा पीछे छोड़, और पहली तो वह जब टूटोड़ी हवेली देखी छाती फाट गई छोरी री, हे भगवान मारे बाप जी री एड़ी बेइज्जती, जटे भूत प्रेता रे वासो कयो जावे, एड़ी टूटी भूतिया हवेली में मारे बाप जी ने रोकाए, एक छोरी रो इमो बड़ो अपमान कुछ भी नहीं है कि मेरी आंख रे आगे मेरे बाप रो मां रो अपमान करियो जावे। छोरी ससुराल में सौ गालियां सुनकर भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वह गाय जेड़ी छोरी भी अगर सासू ससुरा वीर मां बाप रो कोई ओछो पतलो नाम देवे तो बिने भी सिंगड़ा लगता टाइम नहीं लागे, वह सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन मां बाप रो नाम गाली कोई बर्दाश्त नहीं कर पावे, और करनी चाहिए भी नहीं। आज छोरी हिम्मत करके बाप जी ने सामने जावन रे वास्ते जी वा टूटी फूटी हवेली में प्रवेश करियो, बाप जी ने देखते ही अरे लाख तेरा की हेड़ा नरसी जी, जब बेटी ने सामने देखी कार जो फटन लागो हाथ से आंसू बहन लागा, और नानी दौड़ती गई और नरसी जी गले में लगा दी रे नानी, ये टाइम घर में मां नहीं होवे और बच्चा पर कोई तकलीफ आवे नहीं तो बाप रो काल जो भाट जाया करे, बाप रो काल जो भाट जाया करे कि मां संसार में कोनी, मारे बच्चों पर तकलीफ क्यों आई, बाप रोर नहीं बतावे लेकिन मां मु करोड़ गुणा ज्यादा दुख बाप उठावे। और नरसी जी ने ध्यान है मारे कने मायरो कोनी, और इतना बरसों मु छोरी ने देखी हूं और मारी छोरी अंदर कितनी कड़प रही है, वो मारे से ज्यादा कोई नहीं समझ सके, छोरी ने गले मुंह लगाई और छोरी ने माथे में हाथ फेरन लगा, ए भाई तू की करे छोरी, इतने बरसों बाद देखी हूं नानी, अरे की तो बोल तेरे बाप जी थरिया
पर इस तो बहुत अनूठो है। अरे हिमालय जेड़ा पत्थर और जनक जी जेड़ा विदेह, जब बेटियों ने रवाना करी नहीं तो विदाई समय खंबा पकड़ पकड़ रोया, खंबा पकड़ पकड़ किताई बैरागी हो जावे, किताई विदेह हो जावे, पर बेटी री विदाई इतनी करुण होवे भला भला रख काल जा फाट जावे। आज नरसिंह जी की हालत भी खराब हो रही है, सर्वस्व कुर्बान करने वाला नानी ने देख काल जो फाट गयो, हाथ फेर लिया, बेटी कुछ तो बोल, बेटी कुछ तो बोल, बेटी कुछ तो बोल। नानी बाई तो बस फूट फूट कर रो रही है, हिचकिया चढ़ गई चोरी, इतनी जोर जोर से रोई नानी। नरसी जी ने भी तो ही रो जा रही है, पर मन ने काठो करियो, आंखिया पहुंच रही है और धीरे धीरे केवन लागा, बाई थरा हासरी आया काई सोची, मां बाप रे आगे घणो दुख व्यक्त नहीं करनो, सासरा ने बुरो लागे। बेटी चुप हो जा, तू तो मारो बदावनो करे ना, एक रोवण आई है, हाथ फेरता जा रही है, नानी री आंख में आंसू आता जा रही है। नरसिंह जी समझ गया कि थोड़ा माहौल ठंडो करने की जरूरत है, और नरसिंह जी कहो ओल आई है तू मारो बदावनो कर। ब्याण जी ने रोम रोम करिया तो ब्याण जी तो मुंडो ही घुमा लियो, लेवड़ाई जथा बिछोड़ियो हंसे, देखो देखो ए आया है मायर। नरसिंह जी तो आप कर्तव्य करियो, रोम रोम कर लिया और नानी ने कह तू मोर बदावणो ओ ले रही है, आई तीक थाली री तार चावल तो कुकू ए गेली थन तो ठाई कोने मर कितो कितो चीजे, और छोरी रो मन बहलावन रे लिए। नरसिंह जी केवना लागा, तू तो आई नानी माई थोड़ो कुकू ले रे, तू आई नानी माई थोड़ो कुकू ले रे, गोपी चंदन लागे सवा शेर हरी, अरे साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सवा शेर हरी, अरे तू तो जल को कल से लाई करके मन में चावे, कल सो कल सो जाई करके मन में चार, अरे एक एक साधु पीवे तुम्हा चार चार हरी, अरे एक एक साधु पीवे तुम्हा चार चार हरी, बड़की बोली चावल लाई एक पसी, बड़की बोली चावल जाई एक पसी, कले वो चावे तेरे असीने हरी, गोत को तू मटको लाई साढ़े बारा हाथ, गोत को तू मटको लाई साढ़े बारा हाथ, क्या सूत धरती जे मारे सूर्या रे साथ हरी, हर क्या सूत धरती जे मारे सूर्या रे साथ हरी, कपड़ो और इतो गुड़ इता चावल अस्सी शेर कले वो करे मारो सूर्यो इताओ गई हो ओ चांदी रो लुट पानी एक एक सूर्यो चार चार तुम्बा पानी पीवे और हाडी बारे हाथ कपड़ो लाई
कोरो मनेज धागी ये धरो कई बिगाड़ियो आरो साथ तो ढकी जे कोनी नानी थोड़ी मुलकी थे बाप जी बहुत मस्करी करो मस्करी काई करे हाची बात के मैं तो हाची बात के हां इत्ता इत्ता की कोनी होवे मोरे तो सवा शेर चंदन घोटो जान टीका लागे थारी कुकुम कई हो चौपड़े मु इत्ते में सखिया आड़ी बड़ी जोर जोर मु हसन लागी ए मायरो देवणा है कि लेवणा है ए तो कई कई मांगे ए मांगणिया है कि देवणिया है और सकिया मजाक उड़ाउन लगी अरे मारे तो सगारे काहेरा तो डांस कहारे काहेरा तो डांस चंदन घसने में मोटा चकल तारे अरे चंदन घसने में मोटा चकल तारी मारे तो सगारे सूर्या स्वामी बाला तो सगारे पूरा स्वामी बड़ा हर जस का मेरे बचाई रे अपारा हर हर जस का मेरे बचाई रे अपारा रे अच्छा गुडाउन लगी लर लर मुंडा कर हसन लगी हाँ भाई भाई जी खरी बात क्यों मोरकन तो ही जे चौपड़े में कुकुर मैं तो गरीब आदमी ठहरिया इन्हें कहे टोट मारना कहीं कहे टोट मार अब मरकन कहीं है भाई ठाट तो थोड़े है ए मोटा मोटा चकलोटा चंदन घसने ए थोड़ा मोडिया धोडिया हुरिया मरकन कहीं जाने देवन ने ए थोरकन करता लो मृदंग तालो जिंजा भिंजा बजाओ भजन कर मैं ठेरिया साधारण आदमी नरसी जी के थे मर बताओ करना है मीणो मरना है नरसी जी का थोड़ा दोष कोनी बताओ तो वीरो हुए जिको मायरो भरना है मैं तो व्यवस्था देखना आया मायरो भरनी तो मैं आई अब मैं व्यवस्था देख लिया अब समाचार पहुंच जाए कितो कहीं लावण है मायरो भरनी आई थे तो मारो बदायो कर दियो भाई मजाक उडार पर जो मायरो भरणियो आवेला नी वीरो बदावो करन री थामे शक्ति कोनी वीरो तो मैं ज करू ना सुन नरसी करुणा करी कर लई मृदंग ताल आम फलिया केला फलिया फूली सबे रसाल ठाकुर जी रो बदावो गावन रे वास्ते नरसी जी मृदंग ताल हाथ में उठाई और केवन लागा सहेलिया आम हो मोरिये सहेलिया आम हो मोरिये ओ तो मोरियो मोरियो मेरे सीने पहार सहेलिया आम हो Oh, 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 o
मेरी राखी हरी लाज। जब जब मारे ठाकुर अनंत लीलाओं करी, उन सब लीलाओं ने याद कर आज मैं बताऊं गारियों। डूबत ब्रज राखी ब्रज राज, उड़े वास्ते भी बताओ, जेड़ो मायरो भरणियों वेड़ो ही बताओ है। थाने भगतारी कीमत ढाक बनी, पर मने मारे भगवान री कीमत ध्यान है। वो तो आवत प्रेम के मोल सहेलिया मो मोरियो। ये तरीके नरसी जी बताओ गायो। थोड़ी देर में आरती होगी, समय पे बराबर हाल समय बाकी है। स्वामी जी त्याग मूर्ति जी महाराज 5 मिनट रे बाद कुछ समय आपने जिस उद्देश्य से मैं आपने कही कहो आज इस सत्संग रो आयोजन कथा मायरो तो अच्छी बात है, भगवान को नाम हो रियो है। इरो उद्देश्य जो है वो काले भी बता चुकी, और व्यासपीठ की तो महिमा है। मैं कहो सुखदेव जी जैसा कोई बिरला ही होया है, बैठन का वाणा पिता भी ना बैठ पाया। सुखदेव जी सा बिरला की जगह आया, मारी क्या भी साथ बैठू, मारे गुरुदेव की कृपा है। बस थाके मारे बीच में थोड़ी दूरी रखी गई, थोड़ी ऊंचाई होने से बात जल्दी समझ आवे। जाने थारी थे हो जमींदार में हाँ चौकीदार, आजकल निकली उड़े मैं भी चौकीदार, तथे जमींदार में चौकीदार। थोड़ी ऊंचाई रखनी पड़े, बाकी तो व्यास पीठ का अधिकारी तो कोई बिरला ही होया, और अरबर मुंह आज भी कोई बिरला ही हो। मैं तो थार जिया यहां मर, बस एक वो कहवे नहीं कि अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी, सब कृपा की बात है। गुरु कृपा जिस पर हो जाती है, कहवे नहीं के चरनारी धूल भी गुरु री तो आंखों में काजल रो काम कर जा। तो मैं एक 2 मिनट रे लिए मारा विजेंद्र भाई साहब ने कहू कि 2 शब्द कहवे, पछे त्याग मूर्ति जी महाराज रे द्वारा देखो संतो रो सानिध्य मिलियो। मैं तो दो गुरुदेवों रे बीच में बैठी हूं भाई, काई तो लारले जन्म में कुछ तो करी हुई है। तो महाराज जी भी पधार रिया है, एक 2 शब्द भाई साहब भी, आपने स्वयं भी बहुत अच्छा कथाकार भी है। ब्राह्मण देवता पधारे, संत महात्मा पधारे, वारिस तो सत्संग है। बोले सावल सरकार की, देखो जोरू जय करो लगाओ नहीं तो लाइट जाई प्रे, धमकी बिना कोई की करे। सावल सरकार की विचित्रम ते तेजो जाना रिदाया कुंजे सुरावीती स्वयं शंकर त्वं तस्च शाधरति रात्रिं दिवसयो शामोद्धर्तुं जीवां स्थिकिमा कविधानैं करसिका प्रभो त्वं श्रीर्मान्यो यावतु शिवराजः प्रभुरालाम। श्रीमद् जगद्गुरु शागनिकाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। व्यासपीठ जिससे हमारे प्रिय सरोज प्रिया जी आपको भक्ति का मार्ग सिखला रहे हैं, त्याग का मार्ग सिखला रहे हैं और सुना रहे हैं, ये अपने ओजस्वी वाणी से उस नगर में जिस नगर का नाम मेरे हिसाब से प्राचीन इतिहास में है फलवर्धिका। क्या नाम है? फलवर्धिका। फलोदी अब नाम हो गया फलवर्धिका। और उसकी इष्टधात्री मां लटियाल नवरात्रि में, ये पक्ष रात्रि है नवरात्रि की, मैं पक्ष रात्रि का अनुष्ठान करने वाला हूं, इसलिए पक्ष रात्रि में उस नगर का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। किस माध्यम से? सरोज प्रिया जी के माध्यम से, कि उस नगर का मैं चरण स्पर्श करूं, उस नगर में मैं नगर के वासियों का दर्शन करूं, और फिर यहां पर हनुमान विग्रह की प्रतिष्ठा है उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। कहते हैं हनुमान चिरंजीवी है,
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमन्तश्च विभीषणा कृपा परशुरामस्ते वा सप्तैते वा चिरंजीवा। उनकी सकारात्मक मूर्ति की विग्रह की प्रतिष्ठा, आपके दर्शनीय विग्रह की प्रतिष्ठा है। उस महायज्ञ में आहुति देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, किस वजह से? सरोज प्रिया जी के वजह से। इसलिए जो मुझे पुण्य मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा सरोज प्रिया जी को भी मिलेगा, किन्हों के निमंत्रण से या इनके प्रेम से या इनके आदेश से मुझे इस विग्रह में या इस महायज्ञ में आहुति देने का अवसर मिला। और फिर इस नगर की इष्ट धात्री माँ लटियाल की हाजिरी न दें, उनको स्मरण न करें तो कैसे काम पड़ेगा? विद्युदाम सम प्रभाम रघुपति कंदस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल घेट विलसत दस्ताद विरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदा सिकेट विशिकाम स्तापाम गुणाम तरजनी बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। माँ लटियाल को ध्यान पूर्वक नमन। दूसरा, बाबजी हुकुम जिनके आश्रम से आप यहाँ पर भक्ति का मार्ग सीख रहे हैं, मेरी बहन सरोज प्रिया जी अपने मधुर कंठ से मधुर वाणी से उस भगवान कृष्ण चंद्र आनंद कंद मोहर मोहर मुकुट बंसी वाले की कथा और उनके वर्णन आपको इतने प्यार से समझा रही है, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। 10-15 मिनट सुना कैसे माँ अपने बच्चे को, छोटा बच्चा होता है ना, दूध में चूर के नव कवेल कला कवा के आप मारवाड़ी कवा देते हैं, वैसे आपको ये एक भक्ति का मार्ग है। कैसे नानी बाई का मायरा, नानी बाई के लिए भगवान ने कैसा उनके पिताजी के लिए आए और मायरा भर दिया, भक्ति थी ये हमारे सरोज प्रिया जी के अंदर भक्ति है। इनके भक्ति के वशीभूत होकर मुझे पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि मैं सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, कि इनकी इतनी मधुर वाणी से इतनी भक्ति भाव से ये कथा कर रहे हैं, अवश्य किसी न किसी रूप में भगवान कृष्ण चंद्र इस पांडाल में विराजमान है, ऐसा मैं मान रहा हूं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। और हनुमान तो चिरंजीवी है, जहां पर भी प्रभु राम का नाम होता है, जहां पर हनुमान की हनुमान चालीसा होती है, भगवान हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर विराजित हो जाते हैं, अवश्य वह पवन पुत्र हनुमान यहाँ पर किसी न किसी रूप में विराजित है और आप सबका निरीक्षण कर रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं और आप सबको दर्शन दे रहे हैं, मगर आपके और हमारे पास ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं कि पहचान ले के हनुमान कहां पर विराजमान है। हनुमान है यहीं पर क्योंकि वह चिरंजीवी है, और जहां पर भी प्रभु का स्मरण होता है वहां पर हनुमान जी आकर विराजमान हो जाते हैं, ऐसा कथाकार कहते हैं, पूर्व आचार्यों का मंथन है, कथन है, पुराणों में उल्लेख है। तो अवश्य यहाँ पर हनुमान स्वस्वरूप आकर विराजित है और ऐसे विशाल विग्रह की प्रतिष्ठा होगी, मैं दर्शन अब करूंगा तो अवश्य ही वह हनुमान आएंगे और विराजित हो जाएंगे और भक्तों का कल्याण करेंगे। एक वैदिक मंत्र बोलने के बाद, क्योंकि समय सीमित दे दिया है बहन ने मुझे, जाता असाम साधिक पाते चातु पाते विश्वम पुष्टंग्रामे अस्मिन् नानातुरम महा। भगवान हनुमान जी के चरणों में नमन। और सरोज प्रिया जी ने मंच पे कुछ बोलने का अवसर दिया, अवश्य मेरे कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म उदय हुए हैं जो आज इस फल वर्धिका नगर में आकर कुछ शब्द भगवान के गुणवान करने का अवसर प्राप्त हुआ। अस्तु अस्तु अस्तु। मूर्ति जी महाराज रे द्वारा बहुत सुंदर जानकारी थोड़ी देर लिए दी जा रही है। जो भी टीवी ने माध्यम से देख लिया है, पंडाल में सुन लिया है, मारी हाथ जोड़कर विनती है, शांति पूर्वक सुनो और मारो फिर भी अनुग्रह है कि 5 मिनट 10 मिनट जो महाराज जी की इच्छा हुए काले और बोले ये विषय पर
क्योंकि उम्र और अनुभव के साथ जब बात निकलती है तो उसका परिणाम बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एक मैं कहूंगी और एक महाराज जी कहेंगे, उसमें बहुत फर्क आएगा। तो आरती कर ला के दो घंटा मायरो फेर कर ला, कर ला को नहीं कर। राजेश भैया एक बढ़िया भजन आरती तैयारी कर लो भाई, काले बराबर 11 बजे मायरो की शुरुआत और सामरा ठाकुर जी भरेला मायरो जोरदार झांकियों के साथ आनंददायक प्रसंग। आओ और पग दुकन लाग गया हुए नी तो राजेश भैया बढ़िया ठाकुर जी ने कोई भजन गाया जी मावे बेटी जाट की भी जो कोई भी धर मर्जी हो जी तो हाजिरी लगा लो पग ठीक हो जी नी लगाओ धर मर्जी और पैर खड़ा कर लो। आरती की तैयारी हो रही है, थोड़ा सीधा होना हुए तो जब तक एक भजन हो रही हो। माला जाम भरी जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की,
प्रेम तुझसे